आज का वीडियो उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि घर पर हम हल्दी नहीं उगा सकते, छत पर हल्दी नहीं उगा सकते, और उन लोगों के लिए भी जिनको लगता है कि हल्दी उगाना बहुत ही झंझट का काम है। लेकिन मैंने पिछले साल भी हल्दी लगाई थी और इस साल भी लगाई है, और अभी इस हल्दी को आज मैं हार्वेस्ट करने वाली हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि क्या छत पर वाकई हल्दी उगाई जा सकती है, ये जानने के लिए, और अगर उगाई जा सकती है तो कितनी हल्दी मिलेगी। तो मैंने एक तो ये थर्मोकोल के कंटेनर में हल्दी लगाई थी, कुछ मैंने ये ग्रो बैग्स में हल्दी लगाई थी। तो आप जैसे देख रहे हैं कि हल्दी के सभी पत्ते नीचे गिर गए हैं और कुछ में तो बिल्कुल सूख गए हैं। तो आज जिनमें मैं बिल्कुल ये पत्ते सूख गए हैं उन ग्रो बैग्स में से हल्दी की हार्वेस्टिंग करूँगी। ये हल्दी मैंने कैसे लगाई है इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो वो मैं हाई बटन पर कोशिश करूंगी, लिंक दे दूंगी, तो आप देख सकते हैं, नहीं तो आप मेरे चैनल पर से सर्च करके भी देख सकते हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे जिसमें मैंने हल्दी दिखाई है, तो आप देखेंगे कि हल्दी के पत्ते बहुत ही सुंदर होते हैं, ये बिल्कुल ऑर्नामेंटल प्लांट्स के जैसे होते हैं। लेकिन ये हल्दी जैसे जैसे मैच्योर होती है, इसकी हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, तो इसके पत्ते इस तरह से पीले होने लगते हैं, पानी देने के बावजूद भी ये पीले होने लगते हैं और गिर जाते हैं। तो समझिए कि आपकी हल्दी ऑलमोस्ट रेडी है, और ये जब ये इस तरह से पूरी तरह से ही सूख जाए तब आप हल्दी को निकाल लीजिए। तो चलिए मैं हार्वेस्टिंग शुरू करती हूँ। इस बार तो मैंने बहुत से कंटेनर्स में हल्दी लगाई थी अलग अलग जगह पर। ये बड़े ग्रो बैग्स की साइड्स में हल्दी लगाई थी, ये तो अभी हरा है तो इसको मैं हार्वेस्ट नहीं करूँगी। इसी तरह से ये ग्रो बैग्स में भी पीछे हल्दी मैंने लगाई थी और ये पत्ते भी सूख गए हैं, तो इनको भी हार्वेस्ट करूँगी। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं। सबसे पहले ये हार्वेस्टिंग इसमें से कर लेते हैं। इसके पत्ते आप देखिए बिल्कुल ये निकल गए हैं, और ये पत्ते भी आप फेंकिए मत, इनको आप अपने कंपोस्ट बिन में डाल लीजिए या जो भी आप ग्रो बैग कोई भरने वाले हैं उसमें डाल लीजिए। ये हल्दी नज़र आने लगी है, ये कितनी अच्छी गांठें इसकी बनी हैं, ये देखिए ये हल्दी मिलना शुरू हो गई है। अरे वाह, ये देखिए। सो वाह, ये अभी और भी होगी। तो ये छोटा सा एक मैंने हल्दी का टुकड़ा यहाँ पर लगाया था, ये उसमें से रिजल्ट मिल रहा है मुझे। तो मुझे तो ये जब आप इस तरह से अपने बड़े ग्रो बैग्स वगैरह में हल्दी लगाते हैं तो उसका आपको और भी बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं, मिट्टी बहुत अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये भी हम मिट्टी को थोड़ा सा पहले भुरभुरा कर लें, इसमें मैंने मटर भी लगाए हुए हैं। तो यहाँ इस बैग में से भी देखते हैं हल्दी बनी है या नहीं बनी है। तो मिट्टी आसपास से हटा लेती हूँ मैं। अभी मैंने कुछ ग्रो बैग्स में भी हल्दी लगाई है, दूसरे छोटे ग्रो बैग्स में, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कि वैसे हल्दी लगाने का क्या फ़ायदा है। ये देखिए, तो उसमें से भी मैं आपको हल्दी की हार्वेस्टिंग करके बताऊंगी। वाह, ये देखिए ये कितनी अच्छी गांठें हल्दी की मिल रही हैं, ये नीचे तक हल्दी है इसमें। ओह कितनी अच्छी हल्दी है। तो इसमें तो ये बड़ा ग्रो बैग है तो हल्दी बहुत ज़्यादा डीप इसकी गांठें चली गई हैं, ये देखिए। ओ वाओ, ये तो इधर तक है, यहाँ नीचे तक। लेकिन मुझे ये प्लांट्स भी बचाने पड़ेंगे जो मैंने इस ग्रो बैग में लगाए हुए हैं हल्दी निकालते वक्त। इसमें से तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस एक ग्रो बैग में से मिला है। वाह वाह, ये देखिए इतनी हल्दी, तो उसमें से भी मुझे दोबारा देखना पड़ेगा पहले वाली जो ग्रो बैग है कि उसमें भी नीचे तक हल्दी की गांठें हो सकती हैं। तो देखिए ये एक ही ग्रो बैग में से इतनी हल्दी इधर भी है। ये सारी की सारी हल्दी बाद में एक जगह पर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए कितनी क्वांटिटी इसकी बनती है। तो यहाँ की हल्दी भी हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको, उससे पहले मैं आपको ग्रो बैग में से एक हल्दी हार्वेस्ट करके बताती हूँ। यहाँ पर मैंने ग्रो बैग्स में हल्दी लगाई है, अब इसका क्या फ़ायदा है
वो ऑब्वियस है कि आप इस ग्रो बैग को उठाकर वहां पलटा सकते हैं। तो हम इसे ऐसे ही उठा लेंगे इस तरह से पलटाकर, ज़्यादा एफर्ट नहीं फिर आपको करने पड़ते। और क्योंकि इसमें सिर्फ हल्दी लगी है तो कोई और प्लांट भी नुकसान होने का डर नहीं है। और ये बिल्कुल नीचे तक, ये देखिए एक मिनट, ये नीचे जहाँ जड़ है वहाँ पर देखिए, इसमें ये मिट्टी हम हटाते हैं, यहाँ पर भी हल्दी नज़र आ रही है। सो बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट मिला है। बहुत से लोग तो इस वजह से नहीं लगाते कि कंटेनर जो हैं वो बाउंड हो जाते हैं, क्योंकि हल्दी बनने में 7-8 महीने तो लग ही जाते हैं, 9 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन आप ऐसे छोटे ग्रो बैग्स में या कोई घर पर बेकार पड़े पॉलीथीन्स हैं उसमें हल्दी लगा के छोड़ दीजिए उसको एक कोने में रख के, जब पत्ते पीले हो जाएं तो हार्वेस्ट कर लीजिए। इसमें साइज़ देखिए हल्दी की गांठ का, और मैं ये आपको वॉश करके भी दिखाऊंगी बाद में कि घर पर जो हल्दी हम लगाते हैं वो कितना सुंदर उसका कलर है। और आप कच्ची हल्दी यूज़ करिए, आप इसको सुखा कर इसका पाउडर बना कर रख लीजिए। अब मैंने आपको ये ग्रो बैग पलटा कर भी दिखा दिया, और देखिए यहाँ पर हार्वेस्टिंग कितनी ईजी थी। ग्रो बैग को पलटा और उसमें से ये सारी की सारी गांठें निकाल ली, तो एक छोटे से ग्रो बैग में से इतनी हल्दी मिली है। अब मैं सारी हल्दी हार्वेस्ट करने के बाद आपसे मिलती हूँ, और फिर रिजल्ट देखिएगा। वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, बने रहिएगा। उतनी देर में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ मैं हार्वेस्टिंग के बाद। तो देखिए इस थर्मोकोल बॉक्स में से, एक ग्रो बैग में से, और साथ ही उधर एक बड़े ग्रो बैग में से अभी ये हल्दी हार्वेस्ट की है। और हल्दी की क्वांटिटी देखिए कितनी हल्दी मिल गई है। अब आप डिले मत करिएगा, नेक्स्ट सीज़न में ज़रूर हल्दी लगाइएगा। जब भी अप्रैल या मई का मंथ आता है तब आप सीड स्टोर में से ये हल्दी ला सकते हैं। बस सिंपली मिट्टी में दबा दीजिए और हल्दी के प्लांट्स उगाएंगे। इस तरह से आंखें बनी होंगी तो बढ़िया है, इसमें से प्लांट्स निकलते हैं और लगभग 7-8 महीने बाद आपको ये रिज़ल्ट मिल जाएगा। अभी मेरे पास ये सारे के सारे बैग्स हल्दी के रहते हैं, तो इनको अभी मैं किसी और दिन हार्वेस्ट करूंगी, क्योंकि एक ही दिन में इतना काम हो जाता है और इतनी हल्दी संभालनी भी मुश्किल हो जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा है या हार्वेस्टिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही और बहुत से वीडियोस देखने के लिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।